हेलो गाइस, कैसे हो? तो दोस्तों, ये जो लाइव वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये जस्ट दुबई का वीडियो है। आप लोग भी शायद इंटरनेट पर या फिर टिकटॉक पर बहुत सारा वीडियो ये वायरल हो रहा है, इसी के ऊपर प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि इस तरह का अपडेट कुछ आता है दोस्तों, तो जस्ट अवेयरनेस के लिए मैं आप लोग के लिए बताते रहता हूँ। तो हुआ क्या दोस्तों, ये जगह का नाम है देरा, ठीक है। देरा आपको पता है, बहुत सारे लोग यूएई में रहते हैं, उनको पता है देरा एरिया है दोस्तों। यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, एक पाकिस्तानी भाई के साथ, और ये लड़की जो है वो आपको देखने में लगता होगा शायद कि ये इंडियन कल्चर या पाकिस्तानी कल्चर के, बट दोस्तों ये फिलिपिनी लड़की है, ठीक है। तो ये लड़की दोस्तों, ये कपड़ा पाकिस्तानी ड्रेस के जैसा पहनी है और इंडियन के जैसा, बट दोस्तों ये लड़की फिलिपिनी है दोस्तों। इन्होंने क्या किया कि शायद ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का चक्कर था दोस्तों, इसके चक्कर में वो ज़्यादा यहाँ पे ड्रिंक कर ली। करने के बाद ये रोड पर आ गई, बहुत सारे लोगों को परेशान किया। फुल वीडियो मैं नहीं चला के दिखा सकता क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए मैं छोटी सी वीडियो, आपको अगर इसके बारे में ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप टिकटॉक पर फुल वीडियो है इसका, आप जाकर देख सकते हो। तो इसको क्या किया दोस्तों, जैसा पीने के बाद सीधा रोड पर गाड़ी वाले के साथ तोड़ फोड़ करना स्टार्ट किए, बहुत सारे लोगों को परेशान कर दी। तो इसे दोस्तों तुरंत पुलिस आई और पुलिस आकर सीधे पकड़ ली, और इसे दोस्तों पकड़ने के बाद जब होश आया 2-3-4 घंटे के बाद, इमिजिएटली दोस्तों इसे तुरंत डिपोर्ट कर दिया गया, अपने कंट्री उसे वापस भेज दिया गया। तो आप दोस्तों यहाँ पे अगर इस तरह की सेवन करते हो तो आप ज़्यादा ज़्यादा करके अपने घर में रह सकते हो, बाकी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ये रोड पर आकर दोस्तों माहौल ख़राब कर रही थी, इसके वजह से क्या हुआ कि इसे दोस्तों दुबई पुलिस ने, क्योंकि उनको पता है कि इस तरह का चीज़ करना बिल्कुल ये है, क्योंकि इससे क्या होता है, कंट्री का इमेज ख़राब होता है, तो इसे तुरंत डिपोर्ट कर दिया गया, इसे अपने कंट्री भेज दिया गया। तो आप इस तरह का गलती भूल कर भी ना करना दोस्तों, नहीं तो आपके साथ भी इस तरह प्रॉब्लम हो जाएगा, सारे पैसे जो भी कंपनी में कमाए यहीं रह जाएगा और आपको भी डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो यह कुछ जानकारी था दोस्तों, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ।